हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज है फिफ्थ डे हमारे ट्रिप का। और रात से यहाँ अभी सुबह 9:30 बजे तक यहाँ पे काफ़ी रेन रही, और अब अचानक से बहुत बढ़िया वाली धूप आप देखकर समझ सकते हैं। और हमें भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। हम नहा धोकर दोनों हो गए थे 8:30 बजे तक रेडी, ये भी रेडी, मैं भी रेडी, और रेडी हुए बैठे हैं। अब धूप निकल गई है, बारिश रुक गई है, तो अब निकलते हैं। अभी आज लेके ही 3-4 जगह घूम कर आएंगे, वो मैं आपको साइड में, जब भी आगे चलते रहेंगे उसकी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। और बस अभी रूम से निकल ही रहे हैं, और थोड़ा सा मैं ये टॉवल इधर डाल देती हूँ, गीला हुआ है, और चलते हैं। बस उठाओ अपना बैग, और यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं है, तो फिर एक हैवी सी जैकेट भी ले ली है। वैसे लगता नहीं कि जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी दिन में, क्योंकि धूप भी यहाँ पे दिन में धूप भयंकर है, और इवनिंग के बाद अगर धूप चली गई तो फिर ठंड भी भयंकर है। और चलो चलते हैं। यहाँ का तो पानी भी, गर्म पानी भी नॉर्मल पानी था, मैं उसी में नहा कर और सिर धुल कर आई हूँ। चलो फिर आगे चलते हैं और मिलते हैं। लॉक और चलें। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसे हो? बस ठीक है। हाँ, अभी घूमने के लिए जा रहे हैं ना यहीं पे लोकल में, अभी आएंगे शाम को। चलो 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 चलो। और ये हमारे गेस्ट रूम का मेन डोर है, यहाँ से हमें एग्जिट करना होता है। और यहीं पे ये गुगलू बुगलू डॉगी बैठे रहते हैं, यहीं पर आसपास घूमते रहते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ना, बस यहाँ से निकलते ही पूरा हिल ही हिल है। और हमारी गाड़ी उधर खड़ी है, और जो हमारे गेस्ट हाउस का नाम है, ये क्या है, तसामस खांग। और रास्ते में निकलते ही अच्छे अच्छे से व्यूज़, और सुबह देखो बारिश, और ऊपर पीछे पहाड़ों पे तो अभी भी धुआं धुआं उठ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक भी हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं अभी वेदर का क्या सीन चल रहा है। और ये महाराजा सिंघेन नामग्याल जो हम कल आते हुए मिला था, वो वाला चौक है। हम शायद वापस से जहाँ से आए थे वापस उधर की साइड जा रहे हैं ना। और इधर तो भयंकर वेदर, इधर तो देखना भी गुना है, क्योंकि उसको देखकर ऐसा लगता है यहाँ पे ये सब चीज़ होने वाली है। बट अभी हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो गया है। अभी तो हम किसी टायर पंचर वाले को देख रहे हैं, गाड़ी के एक टायर की थोड़ी हवा कम है, तो इसको प्रॉपर कराने के बाद ही फिर आगे जाया जाएगा। और एक ये है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वाला, इनका एक सिंबल है ये। और यहाँ के बच्चे स्कूल के, तो नहीं निकला है, हवा भी 40 है, लेकिन डाउट हो रहा था, चेक किया है। और अब यहाँ हंगर कैफे है यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग का, और देखते हैं क्या क्या है इसमें। और यहाँ से एंट्रेंस, और हमें यहाँ पे सारे ब्रेकफास्ट के सब ऑप्शन अवेलेबल हैं। और वाओ, बहुत अच्छी डेकोरेशन भी है यहाँ पे। ये ऊँची सीट है और ये नीचे। हाँ, तो हमने ऑर्डर दे दिया है ब्रेकफास्ट का, एक आलू पराठा और एक गोभी, नहीं एक पनीर पराठा और एक गोभी पराठा विद कर्ड एंड पिकल। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, और सब्जी के साथ आए हैं। कौन सी है, दाल मखनी है क्या? दाल मखनी, गोभी पराठा एंड गोभी पराठा इधर वाली प्लेट में, उधर है ऑनियन पराठा। और इसमें सॉस और क्या क्या था, हमने ये भी चेक किए थे, मोमोज,
मोमोज वाली चटनी जिसको खानी हो, इसमें सौंफ और इसके अंदर है केचप। और भूख बहुत तेज़ लग रही है, वीडियो को कर देंगे मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट कारगिल और श्रीनगर डायरेक्शन, और अब इधर चल पड़े हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब फर्स्ट डेस्टिनेशन होगी हमारी लेह प्लेस, तो वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हमें, वहाँ से 3.7 किलोमीटर ओनली है, और जल्दी से चलते हैं और देख कर आते हैं वहाँ क्या क्या है। और अब वेदर बिल्कुल क्लीन सा हो गया है, साफ बादल दिखाई दे रहे हैं ब्लू एंड वाइट, और ऊपर जो वो पहाड़ हैं जहाँ पे बिल्कुल थोड़ी देर पहले बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, वो बिल्कुल बर्फ़ की चादर से ढके हुए हैं। मतलब उस टाइम जो ये अंधेरा हो रहा था ना, वहाँ पे स्नोफॉल का बढ़िया जुगाड़ चल रहा था। अभी भी सफ़ेद बादल हैं और बादलों के जस्ट नीचे सफ़ेद पहाड़ हैं। बड़ा अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। बस यहाँ के रास्ते वैसे काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सारी चीज़ें साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। जो सुबह एक अंकल जहाँ पर हम रुके हुए थे, वो हमारे रूम में आए थे मॉर्निंग में बातें करने के लिए, उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ बताया। उन्हीं से हमने पूछा था कि यहाँ पे लोकल में घूमने की जगह क्या क्या है, तो उन्होंने वन बाय वन और डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने बता दिया था कि यहाँ यहाँ जाना है और ऐसे जाना है। तो हमने वो व्हाट्सएप में अपने सेव करके रख लिया था। तो फर्स्ट अभी ले प्लेस में ही हम जा रहे हैं। ये है वो ले प्लेस जो मिट्टी का बना हुआ है शायद, है ना, मिट्टी का बोलते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ है, और ये बहुत साल पुराना है और आज तक भी ऐसा कह सकिए, मतलब ये कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है इसका। और ऊपर टॉप पे खड़े हुए भी सब घूम रहे हैं वहाँ पे ऊपर टॉप पे। और हमने यहीं पे इन भैया से यहाँ से हेल्प ली, इन्होंने बोला है कि ये आप बैक साइड आ गए हो, तो अभी हमें यहाँ से यू टर्न लेकर वापस जाना है। तो उन भैया ने बोला है जहाँ आप ले गेट है उसी के साइड से, वहीं से रास्ता है, आप यहाँ पे बैक साइड आ गए हो। तो अभी दोबारा से वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पर हम रुके हुए हैं, वहीं पे है ले गेट, तो दोबारा वहीं जाना है और वहीं से फिर। ये क्या रुआ से उठ रहा है वैसे, ये शायद। और इस रोड पे भी मार्केट है, काफ़ी सारा सामान दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो ज़्यादातर ये सारा सामान भी अब हर जगह ही मिलता है। और ये हमें पक्का पता चल गया, ये लोकल जो हमारे वहाँ पे पूजा के मंदिर होते हैं, यहाँ पे भी इनके ये मंदिर टेम्पल्स ही होते हैं, ये इस तरह के जो गोल गोल से जहाँ पे भी दिखाई देते हैं। और फिर से एक रेतीली चट्टान के बीच में हम पहुँच गए हैं, और यहीं कहीं हमें ले पैलेस भी मिलेगा। तो चलो चलो चलते रहो, चलते रहेंगे अपनी मंजिल की साइड। हाँ हाँ वो आ गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही, आ गई है, आ गई आ गई, गुड गोइंग बेबा, गुड गोइंग। नाराज मत हो, मैंने थोड़े से आपको धक्के खिलवा दिए है, बट कोई नहीं, चलता है अनजानी जगहों में। वाह, हम इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं, पूरी लेह सिटी जो है ये नीचाई पे है, बिल्कुल नीची लेह सिटी, और उधर और वो एक गोल सा कुछ बनाया हुआ भी है, वो मिट्टी का पता नहीं क्या अपने आप से बनाया है, बना रखा है। और मेरे फेवरेट यहाँ के लोकल डोगी गूगलू बूगलू, गूगलू बूगलू। यहाँ पे लोकल जो डॉग्स हैं, यहाँ के जो लोकल डॉग्स हैं वो सारे, उनके हेयर काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन रेक देख नहीं, ऐसे ही रोड पे भागे फिरते हैं, लेकिन हैं गूगलू बूगलू वाले। और जस्ट हम अभी ले प्लेस के जस्ट बाहर हैं, अब अंदर एंट्री करने वाले हैं। दरवाजा भी दिखाई दे रहा है। आओ आओ चलो चलो।
लो ट्रॉफी लो आप, भाग गया। थैंक यू, दोनों 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 ले लो। थैंक यू, मैं आपको अलग से देता हूँ। वेलकम, ले प्लेस में सबसे पहले एंटर करते ही थोड़ा आ गए थे। यहाँ पे एक टेंपल है और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ही है। इसके अंदर पता नहीं ये जो यहाँ पे पॉल पे अलग अलग फेसेस से ड्रावने हो रहे लग रहे हैं वैसे तो, अब पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे यहाँ मूर्तियाँ हैं और बाकी सारे पॉल्स पे ऐसे ड्रावने फेसेस लगे हुए हैं। और यहीं पे साथ में वॉल पर लगाई हुई है दो टाइप्स की पेंटिंग, कि पहले कैसी थी स्ट्रक्चर, कैसा हो गया था डैमेज होकर, और अब ले पैलेस में फिर से दोबारा से रिपेयर करा के फिर से अच्छा कर दिया है। सोनी सही रही जगह, एक चीज और दिखाता हूँ, चलो आपको यहाँ से जूम करके थोड़ा सा, ये कुछ काइंड ऑफ रेगिस्तान जैसा नहीं दिख रहा आपको, है ना पूरा। और उस तरफ देखो ले सिटी कहाँ तक है और बहुत दूर तक है। हाँ सही में वाकई। और इस तरफ देखो ना, इस तरफ तो दिख रहा है सोनी, ये देखो इधर आओ, वो दिखाई दे रहा है ऊपर सारी आइस ऊपर दिख तो रही है, इस तरफ भी है, सब जगह आइस ही आइस है। और वो रास्ता भी उस तरफ देखो, वहाँ रास्ता दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है। हाँ वो रास्ता दिखाई दे रहा है, पर कुछ भी कहो इट्स नाइस प्लेस, वेरी गुड। हमारा होटल भी आ गया ना, गेस्ट हाउस। ले प्लेस घूम कर आ गए हैं और अब निकले हैं शांति स्तूपा की साइड। अब वहाँ देखने जाना है कि जाना है ये अपना ले गेट आ गए दोबारा घूमते हुए। और ये यहाँ के टेंपल्स होते हैं सारे, ये इन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। और ये है ले गेट, ये पहले हम इसी रोड से गए थे लेकिन ये नहीं थी, डायरेक्शन दूसरे रोड से थी। वो इस रोड से जाने के बाद हमें वहाँ बैक साइड मिला था ये ले पैलेस का, लेकिन अब ये रोड शांति स्तूपा जरूर जा रही है। और यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है, दोनों साइड हरे भरे पेड़ काफ़ी लंबे पड़े और पतला सा रास्ता। उधर क्या लिखा हुआ था तुम मिस कर गए क्या? इधर देखो लद्दाख लिखा हुआ पहाड़ों। और यहाँ के जो हाउसेस हैं वो सब थोड़े यूनिक हैं, ये उधर के साइड हमारी साइड बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। क्यों सही कह रही हो ना, हमारे उधर तो बिल्कुल ऐसे कहीं कोई बनाता ही नहीं है, जो यहाँ पे थोड़ा लकड़ी का टच है और जो बनाने का भी वो बिल्कुल अलग है। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं शांति स्तूपा की रोड पर, तो शांति स्तूपा आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी लेह लद्दाख से जुड़ी हुई। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जिसने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर सोनी तोमर को फॉलो नहीं किया वो जल्दी से कर सकता है। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आती हूँ।